हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो ये हमारा जो शाम को हम डेली बेस पे साइंस के क्वेश्चन हम करते हैं, जितने भी मैं क्वेश्चन हूँ लिया हूँ सभी जो आपके लूसेंट से क्वेश्चन लिया गया, लूसेंट से लेने के यही मतलब है, जो आपसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं लगभग 90% जो क्वेश्चन आपसे यहीं से उठ के आते हैं। तो 90% जो क्वेश्चन है आपके यहीं से मतलब चल के आता है, बाकी आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को 1 से 2 से 3 बार देखिए, स्पीड में 1.5 में देखिए, तो ताकि आपको रिवीजन भी होगा और साथ ही साथ कोई भी अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे SSC में CGL वगैरह, SSC कोई भी एग्ज़ाम हो, PSC का हो, पटवारी, ADO, चाहे PSC के कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, पुलिस वगैरह का, चाहे कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम, तो उन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते चलिए। जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपके लिए कितना सफिशेंट हो रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, और कंटेंट आपके लिए अच्छा नहीं, मैं कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करता हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ। कोई ना कोई सभी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। 105 क्वेश्चन हम कल कवर किए थे, तो 106वां क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। और अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए, और साथ ही साथ आपका जो कितना स्कोर हो पा रहा है उसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा मेरे को। तो चलिए बढ़ाते हैं आगे सेशन को। तो हमारा 6वां क्वेश्चन है, देखते हैं, इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑप्शन है आपका अर्नेस्ट हैकल, ह्यूगो डी ब्रिज, रॉबर्ट ब्राउन या आपका जी एवलिन हचिसन। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका अर्नेस्ट हकल। तो अर्नेस्ट जो हकल थे, इन्होंने इकोलॉजी शब्द को, इन्होंने अर्नेस्ट जो हैकल है, इन्होंने इस जो शब्द बना है इकोलॉजी शब्द को, इसकी रचना इन्होंने की, मतलब इसके द्वारा इस शब्द को बनाया गया है, इनके द्वारा मतलब बनाया गया है इस शब्द को। तो इसको याद रखिए, जीव विज्ञान की एक शाखा है जो आपके अलग अलग संगठनों का अध्ययन होता है, जिसमें वातावरण में करती है। तो इसको याद रखिए, इकोलॉजी शब्द एक ग्रीक शब्द है, तो मतलब ग्रीक शब्द है इकोलॉजी, याद रखिएगा। इकोलॉजी एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब हो गया इकोलॉजी से लिया गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपका इकोलॉजी शब्द आपके अर्नेस्ट हैकल ने दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सौर ऊर्जा का सबसे अधिक स्थिरीकरण किया जाता है। तो कवक के माध्यम से, जीवाणु, प्रोटोजोवा या हरे पादप, ये इसको हरे पौधों भी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, हरे पादप। तो इसके द्वारा जो सौर ऊर्जा का सबसे अधिक स्थिरीकरण किया जाता है, मतलब सौर ऊर्जा का जो अधिकतम निर्धारण हरे पौधों द्वारा किया जाता है, हरे पौधे में जो पत्तियां पर जो पड़ने वाली जो सौर ऊर्जा का 20% तक यहां पर रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। तो इसको याद रखिएगा, तो जिसके माध्यम से हरे पौधे जो आपके सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से यहाँ पर CO2 यहाँ पर पानी से चीनी में संश्लेषित करते हैं। तो इसको याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरे पादक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। तो आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, कार्डेटा या आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका कार्डेटा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जितने भी रीढ़ की हड्डी वाले जो प्राणी होते हैं आपके, कौन से प्रजाति के अंतर्गत आता है, तो आपके कार्डेटा संघ के अंतर्गत आता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो निम्नोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, अर्निथोलॉजी या आपका मेलकोलॉजी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अर्निथोलॉजी। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो इसको IMP कर देता हूं मैं। तो इसको पक्षी विज्ञान भी कहा जाता है, पक्षी के अध्ययन को पक्षी विज्ञान में कहा जाता है, इसको अर्निथोलॉजी इंग्लिश में कहा जाता है, मतलब जीव विज्ञान की एक शाखा के अंतर्गत। इसके अंदर पक्षियों के जो बाह्य और जिनके आंतरिक संरचना का इसमें वर्णन किया जाता है, उनके वर्गीकरण, विस्तार और जितने भी इनका जो विकास होता है, उनकी दिनचर्या और मानव के लिए जो यहाँ पे आर्थिक उपयोगों के इत्यादि से संबंधित इस विषय इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसको याद रखिए, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पे दिया गया हर्पेटोलॉजी, इसमें मतलब किसका अध्ययन किया जाता है या किसका इसमें मतलब इसको अध्ययन किया जाता है, किसके बारे में है। तो इसमें सरीसृप और उभयचर, याद रखिए, सरीसृप जो जंतु और उभयचर जंतु, किसमें यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। और ये आपका लिम्नोलॉजी में आपका किसका किया जाता है, तो आपके नदियाँ, झील वगैरह है, तो इसमें नदियाँ, झील, तालाब वगैरह जो जलप्रपात है, इसमें आपका लिम्नोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। तो ये आपका समुद्र इसमें अलग हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। और आपका एक बच गया है,
और इसमें आपका मेलिकोलॉजी, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, जिसमें अगर घोंघी वगैरह रहते हैं मोलस्का अंतर्गत जो अकशेरुकी जो प्राणी शास्त्र का अध्ययन किया जाता है, जैसे घोंघी वगैरह जो आते हैं इसका इसमें अध्ययन किया जाता है, इसको याद रखिए। और आपका पेट्रोलॉजी सुने होंगे, तो पेट्रोलॉजी में चट्टान वगैरह के इसमें अध्ययन किया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और कवक का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो फाइकोलॉजी नाम सुने होंगे, तो आपके फाइकोलॉजी में कवक वगैरह का फफूंद वगैरह के इसमें आपका अध्ययन किया जाता है। तो इतने सफिशेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता आपसे बन जाएगा, तो इसको वीडियो को एक से दो बार देखिए, आपको प्रॉपर रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विलुप्त जानवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो हर्पिटोलॉजी पढ़ा चुका हूँ, जियोलॉजी, पेलेंटोलॉजी, आर्निथोलॉजी इसके भी बारे में पढ़ा चुका हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जियोलॉजी, इसको याद रखिए, जिसमें विलुप्त जानवरों का अध्ययन किया जाता है, इसको जीवाश्मिकी भी कहा जाता है या जियोलॉजी, दो भी ऑप्शन दिया है, जीवाश्मिकी जिसमें आपका विलुप्त जानवरों का अध्ययन को जीवाश्मिकी या आपका जियोलॉजी कहलाता है, तो इसको याद रखिएगा। और आपके बाकी हर्पिटो बता चुका हूँ, जियोलॉजी हो गए, अर्नीथो भी बता चुका हूँ, इसमें सी वाला नहीं बताया हूँ, तो पेलेंटोलॉजी इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, तो जितने भी जीवाश्म वगैरह हैं तो जीवाश्मों को जो अध्ययन को पेलेंटोलॉजी कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, एक स्वस्थ व्यक्ति की हृदय आमतौर कितनी बार धड़कता है, मिनिमम बोल रहे हैं, तो 72, 82, 75 या 85, 85, इसका तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 बार, सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक स्वस्थ व्यक्ति आमतौर पर एक मिनट में कितनी बार सांस लेता है, तो 5 से 8 बार, 13 से 16 बार, 16 से 20 बार या 20 से 25 बार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 से 16 बार। तो जो स्वस्थ व्यक्ति है आमतौर एक मिनट में लगभग 13 से 16 के बीच में आपका इतनी बार सांस लेता है, तो इसको याद रखिए, औसत जो एक मिनट में लगभग 16 से जो भी ऑप्शन 13 से 16 या 16 से 18 बार यहाँ पे सांस लेता है, और बच्चों में 20 से 30 बार इन लोग सांस लेते हैं, तो इसको याद रखें। अगर हम आराम करते हैं तो आराम के समय में 12 से कम या 25 से अधिक हम यहाँ पे सांस लेते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है आपका कौन सा होता है, तो हाथ, पैर, त्वचा या हृदय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्वचा, स्किन, याद रखिएगा। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग आपका स्किन या त्वचा होता है, याद रखिए, त्वचा जो हमारा क्या काम करता है, तो त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, इसका लगभग जो क्षेत्रफल देखें तो 20 वर्ग फुट है, त्वचा हमें बहुत सारे रोगाणुओं से बचाती है, और शरीर के जो तापमान है टेम्परेचर को नियंत्रित करने में भी मदद करती है, और यहाँ पर गर्मी और ठंड की संवेदना भी अनुमति ये आपका देता है, मतलब ये आपका टेम्परेचर वगैरह, चाहे ठंड का मौसम है गर्मी, तो ये आपका बहुत ही काम करता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मानव शरीर में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 42, 44, 46 या 50, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं जिसमें एक क्वेश्चन को पूछा नहीं है, तो मानव शरीर में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो आपके मानव शरीर में कोशिका का ये आपके बना होता है, या कोशिका में गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये आपके सामान्य मनुष्य में लगभग 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, या कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है, तो बच्चे का अलग है, वयस्क पुरुष का अलग है, तो 202, 204, 206 या 256, इसका करेक्ट आंसर हम देखें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 206 हड्डी मानव शरीर में पाई जाती है, तो आपके मानव जो कंकाल शरीर के जो आपके आंतरिक संरचना है जिसको हम हड्डी कहा जाता है, 206 हड्डी पाई जाती है, बच्चों में कितना पाया जाता है ये भी क्वेश्चन पूछा है, 270, तो 270 हड्डी आपके बच्चों में पाई जाती है, जो शिशु नवजात रहते हैं या आपके जो जन्म लिए रहते हैं इन पे 270 हड्डी पाई जाती है, तो याद रखिएगा। और यहाँ पे वयस्क में यहाँ पे 206 पाए जाते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन और बता देता हूँ कि आपका जो हड्डियाँ होती है, तो हड्डियों के जो अध्ययन को क्या कहा जाता है हड्डियों के अध्ययन को, तो ऑस्टियोलॉजी, याद रखिएगा वो लिख देता हूँ, तो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देख, तो इसी तरह आपसे एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, लेकिन जो बनने वाले क्वेश्चन जहाँ से क्वेश्चन पूछे तो 2-3 क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछेंगे, तो आपसे बनने लगा, तो इसलिए फैक्ट के साथ पढ़ाता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन देख,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का जीवन काल लगभग कितना होता है? तो 1 से 2 दिन, 3 से 4 दिन, 10 से 12 दिन या आपके 100 से 120 दिन। इसके करेक्ट आंसर हम देखें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 10 से 12 दिन इसका जीवन काल होता है। तो इसको सफ़ेद रक्त जो आपका जो कोशिका है आपके जीवन काल लगभग 10 से 12 दिन का होता है। ये जो सफ़ेद जो रक्त कोशिका हमारे शरीर में क्या काम करता है, तो आपके जितने भी जो संक्रामक रोगों से जो बाह्य पदार्थ से रक्षा करने वाली एक तरह का प्रतिरक्षा प्रणाली, मतलब हमारे जो बीमारी से बचाती है, तो इसको याद रखिएगा। और ये आपका इसको WBC कहा जाता है, WBC इसको लिकोसाइट्स या श्वेत कणिका भी कहा जाता है। इनका जो 10 से 12 दिन का इनका कार्यकाल होता है, इसको याद रखिए। और वहीं मैं बात करूँ RBC, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स। तो ये आपके लाल रक्त जो कणिकाओं का जीवन काल लगभग कितना दिन का होता है, 120 दिन का होता है। इसको भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हिपेरिन जो नामक एक प्रकार का प्रोटीन है, आपका इसका उत्पादन मानव शरीर में कहाँ पर होता है? तो यकृत, हृदय, फेफड़ा या उपरोक्त सभी स्थानों पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत। तो यकृत में जो एक उत्पादन होता है, एक घुलनशील प्रोटीन है और ये आपके रक्त प्लाज्मा में पाई जाती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे कानों में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? अस्थियां मतलब समझते हैं, हड्डियां बोल रहे हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो हड्डी, तो हमारे कानों में कुल कितनी हड्डी पाई जाती है? तो एक साइड में 6 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक साइड में 3 हड्डी पाई जाती है, 2 कान हैं, देखिए एक साइड में 3-3 हड्डी, तो टोटल यहाँ पे 6 हड्डी हो जाएगा। तो कितनी अस्थियाँ पाई जाती हैं? तो 6 पाई जाती है। तो सबसे छोटी कान की हड्डी कौन सी, इसको स्टेपिस के नाम से जाना जाता है। फीमर का हड्डी जो जांग में पाया जाता है, हमारा सबसे बड़ा हड्डी होता है, पढ़ा चुका हूँ। और आप सबसे छोटा हड्डी आपका स्टेपिस है जो आपके कान में पाई जाती है। टोटल 6 हड्डी पाई जाती है, 6 अस्थियाँ पाई जाती हैं कानों में, जिसको एक साइड में 3 कान, तो दोनों में आपका 3-3 6 हड्डी, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मानव शरीर में किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? तो एड्रेनलिन हार्मोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, थायराइड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एड्रेनलिन जो हार्मोन है, इस हार्मोन को मानव शरीर में आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, कि आपके इसके द्वारा जो ये हार्मोन जो है स्रावित होता है, इसके माध्यम से ये आपके कहने का मतलब ये आपात ग्रंथि के द्वारा होता है, या आपके तनाव के जो हम कुछ टेंशन वगैरह मार देते हैं, तनाव लेते हैं, तो इसी कारण यह जो ग्रंथि है स्रावित होता है। तो इसको याद रखिएगा, तो आपातकाल के द्वारा ये ग्रंथि ये आपके उत्पन्न होती है, तो इसको आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे दिया है, इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन इन आपको फिर से मैं बता दे रहा हूँ। एस्ट्रोजन हार्मोन एक आपका सेक्स हार्मोन है, एस्ट्रोजन जो हार्मोन है आपके सेक्स हार्मोन है, किस में पाया जाता है? तो ये आपके फीमेल में, महिलाओं में पाए जाने वाले एक हार्मोन है, तो इसको याद रखिएगा। तो सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन, जो आपके महिलाओं में ये हार्मोन पाए जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। और आपका जो टेस्टोस्टेरोन है, ये भी पढ़ा चुके हैं आपके मेल में, पुरुषों में पाए जाने वाला हार्मोन है, तो इसको दोनों को याद रखिए। बहुत बार क्वेश्चन पूछे, तो शरीर में मनुष्यों के पुरुषों के शरीर में पाए जाने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ये आपका सेक्स हार्मोन है, तो इसको याद रखिएगा। और ये आपका थायराइड, ये आप सुने होंगे थायराइड ग्रंथि बार बार सुने होंगे, बीमारी एक तो होती भी है जो गले, जो आपके थायराइड जो गले में पाई जाने वाली एक छोटा सा तितली का कार्य होती है, एक ग्रंथि है, ये आपके सांस के नली में आपके पाई जाती है, तो इसको याद रखिए। थायराइड ग्रंथि में अगर कुछ प्रॉब्लम होते, खासकर महिलाओं में आपके ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि में ये पाई जाती है, ये सांस की नली के ऊपर पाई जाती है, ये महिलाओं में खास करके थायराइड पाई जाती है, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे बात करूँ तो मैं थायराइड ग्रंथि, ये आपका जो आयोडीन वगैरह होता है, तो इसकी कमी से आपका देखने को मिलता है, तो मतलब आयोडीन की कमी से होने वाला रोग आपका थायराइड है। एक तो आपका गले से रोग होता है गलकंड करके, तो वो भी होता है, ये आपके थायराइड है। तो 80% आयोडीन पाया जाती है इसमें थायराइड में, 80% थायराइड में ये आपका आयोडीन पाया जाता है, थोड़ा सा कमी भी होता है तो थायराइड में ये आपका सूजन आ जाती है, तो इसको याद रखिए। थायराइड हार्मोन का निर्माण कम हो जाता है आयोडीन की कमी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाले रक्त वाहिनी को क्या कहा जाता है? तो धमनी, सीरा, महाधमनी या इनमें से कोई नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसको धमनी या धमनियाँ कहा जाता है। तो इसके माध्यम से हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में जितने भी जगह है शरीर के, तो यहाँ पे रक्त ले जाने का काम रक्त वाहिकाओं में धमनी के माध्यम से होता है, तो इसको याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हृदय, सॉरी धमनी, धमनी हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में जो ब्लड है उसको पहुँचाने का काम करता है, तो इसको याद रखिएगा। और ये आपका सीरा दिया है, तो सीरा का शरीर में क्या काम होता है? तो सीरा जो कि सीरा वो आपका रक्त के जो वाहिकाएं होती है शरीर को, मतलब रक्त को हृदय की ओर ले जाती है, तो इसको याद रखिएगा। और ये आपका ये वाला आपका महाधमनी, इसका काम क्या होता है शरीर में? तो महाधमनी इसको एओटा कहा जाता है, एओटा मतलब एओटा, इसको याद रखिए। महाधमनी कहा जाता है शरीर के सबसे बड़ी और आपका मुख्य धमनी है, जो हृदय के बाएं नीला या वेंट्रिकल में एक इससे आरंभ होती है। और आपके ऑक्सीजन मिश्रित रक्त सारे शरीर के जितने भी उत्तकों में ऑक्सीजन या जो ऑक्सीजन वगैरह का ये आपका संचरण करता है, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज का जो सेशन है यहीं तक हम रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो 120 क्वेश्चन आज कम्प्लीट कर ले हैं, कल 121 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का सेशन कैसे लगा आपका, इसको कितना बार, ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।